तो हाय गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एम एम आई यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में देखेंगे प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स तो पहले समझते हैं व्हाट इज सेल प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स दे आर कैरेक्टर विज द अब नॉर्मल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ मोनोक्लोनल इन द सीरम एंड यूरिन तो पहले व्हाट इज प्लाज्मा सेल बी सेल एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल बन जाता है अब बी सेल एक्टिवेशन एक्टिवेट कैसे हो जाता है जब एक एंटीजन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सेल में सेल से कांटेक्ट होकर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बी सेल्स को स्टमुलेट करता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए ये ये बी सेल एक्टिवेट हो जाता है पहले बी सेल बन जाता है रिएक्टिव रिएक्टिव बी सेल रिएक्टिव बी सेल से प्लाज्मोब्लास्ट प्लाज्माब्लास्ट से प्लाज्मासाइट बन जाता है इस प्लाज्मासाइड को प्लाज्मा सेल भी कहते हैं और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जो वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन को बाइंड के जा करके उस पैथोजेनिसिटी और वायरलेंस डिक्रीज कर जाता है डिक्रीज कराता है तो व्हाट इज अब ये देखिए अब नॉर्मल प्रोलिफ्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब आप ऐसा समझिए रुको मैं समझाता हूँ तो गैस एक एक प्लाज्मा सेल लीजिए एक प्लाज्मा सेल है ये प्लाज्मा सेल ये प्लाज्मा सेल एक एक एंटीजन के प्रति सेंसिटाइज हो चुका है और ये एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और ये पर ये एंटीबॉडीज़ जाके उस एंटीजन को बाइंड करके उसकी पैथोजेनिसिटी कम कराता है तो अब ये तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है पर ये ये जो बी सेल ये जो प्लाज्मा सेल है ये ये बहुत सारे प्रोलिफिलेशन कर जाता है मतलब म्यूटेशन uh, नहीं तो डिलीशन नहीं तो ट्रांसलोकेशन की वजह से बहुत सारे बी सेल बन जाते हैं मतलब ऐसे ही बहुत सारे बी सेल और ये बी सारे बी सेल मिलके सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं मतलब ये भी ये भी सेम ये सारे के सारे सेम सेम एंटीबॉडीज़ पड़ती है ये एंटीबॉडीज क्या है प्रोटीन है ये बहुत सारे एंटीबॉडीज अकूमलेट हो हो, हो हो के होके डिसीज़ कॉज कराता है ये डिसीज़ ही हम आज आज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर तो ये देख सकते हो जिसका कैरेक्टर पर अपनोमलेशन ऑफ इम्नोग्लोबिल प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ मोनोक्लोनल मतलब सेम काइंड ऑफ इमनोग्लोबिलिन इन द सीरम एंड यूरिन द ग्रुप कॉम्प्राइज द ग्रुप कॉम्प्रोमाइजेस मल्टीपाल माइलोमा लोकलाइज प्लाज्मोसाइटोमा वेल्डन स्टॉम्स माइक्रोग्लोबिलिमिया हेवी चेन डिसीज मोनोक्लोनल गामोपतिया फंडिटरमाइन सिग्निफिकेंस एम जी यूएस एंड प्लाज्मा से ल्यूकेमिया तो इस वीडियो में इस वीडियो में सिर्फ टू थ्री फोर फाइव सिक्स पढ़ेंगे ये मल्टीपल माइलोमा का दूसरा वीडियो आएगा तो आप उस वीडियो से देख लेना तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज लोकलाइज प्लाज्मोसाइटोमा लोकलाइज प्लाज्मोसाइटोमा में दो है दैट इज सॉलिटरी ब्लोन प्लाज्मोसाइटोमा एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मोसाइटोमा सॉलिटरी मतलब सिंगल बोन प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा सेल साइटो प्लाज्मा प्लाज्मा साइटोमा मीन्स कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मासाइटोमा मतलब बोन के बाहर एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मासाइटोमा दिस आर दिस आर द वेरियंट्स विच डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिकल ट्रायड दे आर एसोसिएटेड विथ यम कॉम्पोनेंट अब ये यम कॉम्पोनेंट क्या है तो हमने अभी एक्सप्लेन किया ना अभी ये बी सेल बहुत सारे प्रोलिफरेट होकर बहुत सारे बी सेल बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स हो जाते हैं वो प्लाज्मा सेल सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्ट करते हैं वो एंटीबॉडीज़ क्या है प्रोटीन है उन्हीं प्रोटीन को यम प्रोटीन कहते हैं नहीं तो मल्टीपल माइलोमा प्रोटीन है तो यम कॉम्पोनेंट बोलते हैं इसी वही है यम कॉम्पोनेंट ये आगे बहुत सारे डिसीजेस में यही चीज़ आएगा तो ये याद रखिए नेक्स्ट इज़ अकर यंग चिल्ड्रन मतलब ये बच्चों में दिखाई देगा दे दे बोथ हैव बेटर प्रोग्नोसिस देन क्लासिकल मल्टीपल माइलोमा तो सॉलिटरी बोन प्लाज्मा साइटोमा एंड प्लाज्मा साइटोमा सॉलिटरी बोन प्लाज्मा साइटोमा इट इज अ लाइटिक बोनी लेशन दैट प्रोग्रेस टू माइलोा इन फोर टू फाइव ईयर्स लाइटिक बोनी लेशंस मतलब जो बोन है वो धीरे धीरे से डिग्रेड दिग्रे, दिग्रे, कर जाता है मतलब लाइसिस के जरिए डिग्रेड कर जाता है इस वो बोन मैरो रिसॉर्प्शन हो जाता है और हाइपर कैल्सिमिया देखने को मिलता है नेक्स्ट एक्स्ट्रामेंडोलरी प्लाज्मासाइटोमा इन्वाल्वस सब म्यूकोसल लिफॉइड टिश्यू ऑफ नेसोफेरिंग्स एंड पैरानेसल साइनसेस बट रेयरली प्रोग्रेस टू माइलोमा मतलब ये एक्स्ट्रामेंडोरी uh, मतलब बोन के बाहर जो लिफॉइड टिश्यूज है

मतलब माइक्रोस्कोप के जरिए नेक्स्ट वेल्डन स्ट्रॉम्स माइक्रोग्लोबिन एनीमिया ये वेल्डन स्ट्रॉम्स क्यों पड़ा क्योंकि एक एक साइंटिस्ट है उसका नाम वेल्डन स्ट्रॉम है और इसने उसने एक आर्टिकल लगा था उसके ऊपर से ये डिसीज़ बनाए नेक्स्ट इट इज अनकॉमन मैलिग्नेट पॉलिफिलेशन ऑफ मोनोक्लोनल बील इंफोसाइड विथ सीक्रेट आई जी एम पैरा कॉल और से मतलब ये ये जो बी सेल्स बी सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज कितने कितने टाइप्स के हैं फाइव टाइप्स का जी एम डी ई -E, मतलब गामडे बोल के याद रखो जी एम डी ई -E. इम्यूनोग्लोबुलिन और सबसे ज्यादा सबसे ज़्यादा वो आई जी जी आई जी जी और आई जी एम और आई जी ए प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट इज मोर कॉमन इन मैन ग्रेटर देन फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज सीन इन एसोसिएशन विथ लिंफो प्लाज्मोसाइटिक लिंफोमा यह वेल्डन स्टोन माइक्रोग्लोमेमिया को लिम्फो प्लाजमोसाइटिक लिंफोमा भी कहते हैं नेक्स्ट ईटियोलॉजी इज नॉट पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस में हाइब्रिड हाइब्रिड बिटवीन माइलोमा एंड स्मॉल लिंफोसाइटिक लिफोमा मतलब हाइब्रिड ये ये दो सेल मिल ये वेल्डन स्टोन्स माइक्रोग्लोबिलेमिया क्रॉस करता है लाइक माइलोमा इट इन्वॉल्व्स बोन मैरोड सीरम एम कॉम्पोनेंट इज सीन नेक्स्ट सीरम एम कंपोनेंट आपको पता है स्मॉल लिंफोसाइटिक में देर इज एनलाजमेंट ऑफ लिम्फ लिम्फ्लोट्स स्प्लीन एंड लिवर इसकी वजह से स्प्पीनोमैगाली हेपेटोमेगालीली ये दिखाई देता है ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा सिस्टर लिम्फोसाइट्स क्लिनिकल फीचर्स हाइपर विस्कॉसिटी सिंड्रोम हाइपर विस्कॉसिटी सिंड्रोम मतलब क्या है अब देखो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएगा मतलब बहुत सारा प्रोटीन सीरम में आ चुका है मतलब ब्लड में आ चुका है ये uh, पर ब्लड की ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करते प्रोटीन हमने पढ़ा था ना आलगू में मेटेन्स ऑसमोरिटी अब प्रोटीन आने की वजह से हाइपर विस्कॉसिटी सिंड्रोम भी बन जाता है रिजल्ट इन विजुअल डिस्टर्बेंसेस वीकनेस फेटिगेबिलिटी वेट लॉस एंड नर्वस सिस्टम सिम्टम्स और रेनॉल्ड्स फेनोमिना कैन अकर रेनॉल्ड्स मतलब डिस्टर्बेंस इन अ फ्लो ऑफ ए ब्लड नेक्स्ट मॉडरेट ऑर्गेनोमेगैली लिम्फेडेनोपैथी हैपेटोमेगी एंड स्प्लिनोमेगेली हमने हमने देखा था ना लिम्फ नोड्स स्प्लीन और लीवर इन्वॉल्व हुआ था इसलिए उनके साइज़ बढ़ जाता है एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो फेलियोर अब अब बोन मैरो फेलियोर मतलब बोन बोन मैरो में ही सारे के सारे एरिथ्रोपाइसिस होता है ना एरिथोपोसिस क्या पूरा क्या 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 बोन मैरो में हो जाता है इसलिए एनीमिया देखने को मिलता है नेक्स्ट इज ब्लीडिंग टेंडेंसीज में आकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोग्लोबुलिन विद प्लेटलेट्स एंड कोोगुलेशन फैक्टर्स ब्लीडिंग हो जाता है नेक्स्ट डायग्नोसिस देर आर नो कैरेक्टरिस्टिक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मतलब एक्सरे के तरह कुछ कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा डायग्नोसिस बाय लेबोरेटरी डाटा प्लियोमार्फिक ब्लोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट साइप शेप एंड साइजिस के सेल्स दिखाई देते हैं बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट इज रेज्ड टोटल सीरम प्रोटीन कॉन्सन्ेशन सीरम में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है नेक्स्ट रेज्ड सीरम मोनोक्लोनल एम कॉम्पोनेंट मतलब सेम टाइम के सेम टाइप के प्रोटीन बढ़ जाता है सीरम में नेक्स्ट इज प्रोटीन प्रोटीस बेंसजोन प्रोटीन्स क्या है दीज आर इम्नोग्लोबिन लाइट चेन मोलिक्यूल्स लाइट चेन मतलब एक एंटीबॉडी में लाइट चेन दो लाइट चेन और दो हैवी चेन रहता है हेच टू एल टू दो लाइट चेन हेच चेन सिर्फ लाइट चेन कॉम्पोनेंट को बेंस जोस प्रोटीन कहते हैं ये बेन्सोन प्रोटीन्स यूरिन में दिखाई देते हैं और ये मल्टीपल माइनोम के कैरेटरिस्टिक फीचर है और इनका हीट करने पे ये प्रिसिपिटेट बन जाता है फोर्टी टू फिफ्ट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस और बहुत ज़्यादा हीट करने हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पे ये पिघल जाता है ये कैदर के बैन्सोर प्रोटीन का नेक्स्ट इज एलिवेटेड एरिथ्रोसाइट एलेक्ट्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट अब ये ई एस क्या है जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूक में डाल के ये कर दे करते हो तो आर नीचे पड़ जाता है और वाइट कोट बफी कोट बन जाता है और ऊपर सीरम देता है नेक्स्ट इज नॉर्मासेटिक नोमोक्रोमिक एनीमिया मतलब नॉर्मल नॉर्मल साइज़ के और नॉर्मल कलर के एनीमिया बन जाता है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सिमिलर टू तो माइलोमा मतलब ये 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 जो जो डिसीज है माइलोमा ही है पर पेशेंट रेस्पॉन्ड टू तो कीमोथेरेपी पर मल्टीपल इज इनक्यूरेबल उसमें डिस डिसीसीज को ट्रीट नहीं कर सकते नेक्स्ट हैवीचैन डिसीजेस हेवी चैन नाम नाम ही पता चल रहा uh, है एंटीबॉडीज़ का हेवी चैन अकोलेट होगा दिस इज द रेयर मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द बीसल कंपनी इड बाई मोनोक्लोनल एक्सेस और वन ऑफ द हेवी चैनज कितने हेवी चेंस है गामा गामा हेवीच डिसीज अल्फा हेवीचेंट डिसीज और न्यू हवीचन डिसीज पहले चलते हैं गा हेवीच डिसीजीज आल्सो नोन एज फ्रेंकलीन डिसीज फ्राइ इज इट इज़ कैरेक्टराइज बाई द एक्सेस मोस्टली गामा वन पैरा प्रोटीन बोथ इन सीरम एंड यूनिन एंड डेमोस्ट्रेटेड बाई द एम कॉम्पोनेंट अब क्या हैवी हैवी एंटीबॉडीज़ का हैवी 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 प्रोटीन जो है ना हैवी प्रोटीन पार्ट वो सीरम और यूरिन में दिखाई देता है क्लिनिकल फीचर्स वही लिम्फोनोपेथी स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली साइज बढ़ जाता है और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेरेंजियल लिम्फॉड टिश्यू दैट इज़ वाल्डेयर रिंग वाल्डेयर रिंग में क्या क्या आता है भाई एक सर्कल बनाओ ऊपर की तरफ तो <coughs> बाजू की तरफ तो एडिनोइड्स है पैलेटाइन uh, टॉन्सिल्स है नीचे लिंगल टॉन्सिल्स ऊपर फेरेंजियल टॉन्सिल्स फेरेंजियल टॉन्सिल्स एडीनॉइड्स बाजू में पैलेटाइन टॉन्सिल नीचे की तरफ लिंगल टॉन्सिल्स तो वाल्डियर वालिंग हो गया नेक्स्ट इज फीवर एंड पेशेंट हैव रैपिडली डाउन इन कोर्स ड्यू टू सीवियर एंड फेटल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन इन्फेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि नोड्स नहीं है तो इन्फेक्शन के प्रति कम इन्फेक्शन के प्रति फाइटिंग नहीं कर पाता नेक्स्ट अल्फा हेवी चेन डिसीज दिस इज अ डिसीज़ कैरेक्टर बाय द अल्फा हेवी चेन इन द प्लाज्मा एंड देर इज a डिफिकल्ट टू demonstrate इन electrophoresis ड्यू टू रैपिड polymerization. तो पॉलिमराइज हो जाता है मतलब इलेक्ट्रोफोरेटिक वेल well में जो ये सीरम डाल देते हैं तो वो सीरम छोटे छोटे टुकड़े उन्हीं के अंदर पॉलिमराइज हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रोफोरेटिक फी जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो वो आगे बढ़ता ही नहीं वहीं पर रह जाता है पेशेंट्स आर प्रेजेंटेड विद बॉल सिम्टम्स सच एस क्रोनिक डायरिया माल ऑब्जॉर्ब्शन वेट लॉस एंड मे हैव एलार्जमेंट ऑफ अब्डोमिनल लिम्फ नोट्स अल्फा हेवीचेंस मतलब वो अल्फा हेवीचेंस अक्मेंट होगा नेक्स्ट न्यू हेवीचेंस न्यू हेवीचेंस द रेरेस्ट हैवीचे डिसीज़ इनका कैरेक्टर फीचर न्यू प्लास्टिक बी सेल प्रोड्यूसिंग कपालाइट चेंट अपियर इन द यूरिन एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स इन द मेगन बी लिम्फोसाइड्स मतलब बी सेल्स में बड़े बड़े वैक्यूल दिखाई देते हैं जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये जो बी ये बी सेल है और उसके अंदर वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मोनहोक्नो ग्रामोपति ऑफ अंडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस एम जी यू एस इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर है एम प्रोटीन इन द सीरम इज लेस देन थ्री ग्राम पर डेसीटर यम प्रोटीन आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट इज मैरो मैरो प्लाजमोसाइटोसिस लेस देन टेन परसेंट एंड नो एविडेंस ऑफ अदर बी सेल प्रोलिफरेटिव डिसीज एंड आबसेंस ऑफ माइलोमा रिलेटेड एंड ऑर्गन टिश्यू डैमेज तो टिश्यू डैमेज नहीं होगा ज़्यादा और वो टिश्यू डैमेज यहाँ पे एंड ऑर्गन टिश्यू डैमेज क्यों बोल रहे हैं मतलब ये जो लाइट चेंस ये हेवी चेंस जितने भी टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं ना वो एंटीबॉडीज़ ब्लड में रहते हैं वो सिर्फ ब्लड में ही नहीं रहते डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में भी जाते हैं और वहीं पे जाके एकुमलेट हो जाता है तो मतलब किडनी में देखो किडनी में तो ब्लड जाएगा ही और वो लाइट चेन लाइट चेन फिल्टर होकर यूरिन में भी आ रहा था तो मतलब थोड़े बड़े साइड के बड़े साइज़ के प्रोटीन किडनी में, में रह भी सकते हैं और इसलिए रीनल रीनल डिसीज़ कॉज करता है इसलिए वो सी आर ए बी क्रैप्स में रीनल इन्सेफिशेंट्स रीनल इन्सफिशेंस भी है और सी 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 मतलब हाइपर कैल्शियम दिखाई देता है मतलब कैल्शियम क्यों और बोन रिसप्शन हो रहा था उसमें मल्टीपल माइलों में तो यहीं पे यह वीडियो खत्म होता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत